बुध ग्रहों को नव ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तार्किक क्षमता और कारोबार का ग्रह माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार बुध ग्रह का 26 अगस्त को अपनी स्वराशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह इस राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। इस राशि में बुध का गोचर अन्य राशि पर प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, लेकिन कुछ राशियों के लिए बुध का यह गोचर अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आइए जानते हैं इनमें कौन सी राशियां शामिल हैं और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि। बुध गोचर ग्रह का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। इस राशि के जातक को इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी मन मुटाव आने की संभावना है। धैर्य और प्यार से काम लें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर मिला जुला प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। व्यर्थ के बाद विवाद में फंस कर आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत शुभ नहीं है। इस राशि के जातकों को इस काल में मानसिक तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने बड़ों की सलाह पर जरूर ध्यान दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेकर आएगा। व्यापार के क्षेत्र में भी सोच समझ कर ही निवेश करें। जोखिम की भी संभावना है, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी करने से पहले एक बार अपने पंडित जी की सलाह या किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह जरूर ले लें। साथ ही धर्म की और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।